आज पटना के सड़कों पे जन अधिकार पार्टी का सैलाब देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपको बताते हुए चले कि पप्पू यादव के नेतृत्व में आज जेपी गोलंबर से सीधे हम बात करें तो जेपी गोलंबर से लेकर के राजभवन तक का मार्च निकाला गया। महंगाई, जीएसटी और जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर के मार्च निकाला गया है, आज का ये मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या? देखिए, मुख्य उद्देश्य सबसे बड़ी बात है, जो पूरे देश का मुद्दा है वो हमारा मुख्य उद्देश्य है। बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, जितने भी खाद्य पदार्थों में जिस तरह से जीएसटी लगाया गया है और अग्निपथ योजना के खिलाफ ये हम लोग को हल्ला बोल, केंद्र सरकार के खिलाफ ये राजभवन मार्च है और ये ऐतिहासिक मार्च है। आदरणीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर ये मार्च रखा गया है और यदि केंद्र सरकार नहीं संभली तो आंदोलन बड़े स्तर पर होगा और उग्र होगा। प्रशासन इसमें किस तरीके साथ दे रहा है? सर, प्रशासन हम इतना ही कहेंगे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन की ओर कूच करेंगे और आप लोग प्रशासन से अपील करेंगे कि आप लोग सहयोग करें। हमारे कोई भी साथी हुड़दंग नहीं है, हमारे कोई सारे साथी अनुशासित हैं, सारे पप्पू यादव के सिपाही हैं और प्रशासन भी इसमें मदद करे। इन कि जहाँ मन तहाँ गोली या बंदूक और लाठी डंडा, उससे डरने वाले नहीं है। ध्यान, पप्पू यादव का जब भी कोई आंदोलन होता है तो प्रशासन उसमें बाधा जरूर डालती है। सर, कितना हूँ बाधा डाल ले, आपको हमने बोल दिया ना कि राजभवन पहुँच के रहेगी मार्च। अब तो रोजगार को लेकर नीतीश कुमार भी 20 लाख रोजगार का ऐलान किया है, कल परसों बोले है ना, आने तो दीजिए, नहीं मिलेगा तो हम लोग बैठे कहा, हम लोग तो जनता के सेवक हैं, हम लोग तो जनता से गठबंधन किए हुए हैं, कहा आप टेंशन ले रहे हैं, बोलेंगे ना फिर। आज हमारे साथ युवा नेता पुरुषोत्तम जी और फिलहाल ये सबसे महंगा माला पहने हुए। क्या बोले? माला पहने हुआ, अभी शादी का सबसे महंगा माला है। ये बच्चा का दूध छीन लिया गया, गरीब का दाल छीन लिया गया, तेल छीन लिया गया, आप खा नहीं सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। जैसे मोदी जी का 2 करोड़ का योजना आया, उसमें रोजगार नहीं देंगे, सिर्फ वादा होगा, तो यह सरकार गरीब को खाने नहीं देंगे, मारने पर मजबूर कर देंगे। क्या लग रहा है, इस तरीके से मार्च करने पे सरकार सुनेगी? सरकार तो डरी हुई है, 2024 का इंतजार कीजिए, ना मोदी बचेगा, ना मोदी भक्त बचेगा, ना गोदी मीडिया बचेगा, ना अंधभक्त बचेगा। इस तरीके से आज मार्च निकाला गया है, फिलहाल जो देख रहे हैं और जेपी गोलंबर से लेकर के ये मार्च राजभवन तक जाएगा और फिलहाल काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से जन सैलाब उतरा है और फिलहाल जो रोड पे युवाएं उतर गए हैं और महंगाई और जीएसटी को लेकर के काफ़ी बड़ा आज रैली निकाला गया है।